फिल्म में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती। क्या बात है। मैं फिल्म में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। हां क्या बात है भाई, वाह। कॉलेज में जब से आई अपना इश्क चला है। क्या बात है। कॉलेज में जब से आई अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी हैं। क्या बात है, वाह भाई, वाह वाह। एक और बोलना चाहूंगा, स्वागत है। रहना पाओगे भुला कर देख लो। रहना पाओगे भुला कर देख लो यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो। हर जगह महसूस होगी मेरी कमी, अपनी महफिल को कितना भी सजा के देख लो। क्या बात है। एकदम। मैं अपने सारे दोस्तों के लिए एक शायरी और बोलना चाहूंगा। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं कुछ इस तरह कि उनसे कभी न टूटने का रिश्ता बन जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई अनुज, और तमाम इस कॉलेज के वो विद्यार्थी जो कि कविता लिखते हैं या कविता या साहित्य के प्रति जिनकी रुचि है, उन सबको कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप लोग लिखें, और जहां पर भी कुछ भी पूछने के लिए, अध्ययन करने के लिए, या किसी छंद, कविता, दोहा, चौपाई, इन सबको सीखने की जरूरत हो तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से हमसे पूछने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। प्यारा भाई दुर्गेश यहाँ पर बैठा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि दोबारा मैं यहाँ पर क्यों आ गया। अब आया हूँ एक विशेष काम करने के लिए। इतनी देर से जो इस मंच को अपनी उंगलियों के इशारे पर घुमा रहा है, ऐसा मेरा भाई होता है कुशल कुशवाहा। कुशल भाई, अब ये लिखा पढ़ी का काम छोड़ दो, अगर स्कूल में ठीक समय से अच्छी तरह से पढ़ लिए होते तो आज यहाँ पर मंचों मंचों पर जाके गाना नहीं पड़ता, कहीं अच्छी नौकरी लग जाती। आप इसकी हालत को देखें, और मैं पढ़ता हूँ पंक्तियाँ, आप बस देखें मेरे भाई कुशल को। सामने बैठे रहो भैया, फेस सामने कर लो, जरा दिखाई दो के हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से, क्या मोहब्बत से क्या नुकसान होते हैं। मैं सारे काम कर सकता हूँ कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। और कवि होने के साथ में कुछ अवगुण रहते हैं। हम जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे तो बहुत कवि सम्मेलन होते थे, कभी राजस्थान, कभी उड़ीसा, कभी कलकत्ता, तो हम क्लासेस अपनी ठीक से नहीं कर पाए, तो इस वजह से हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत कमजोर रह जाती है। तो ऐसे ही कुशल भाई, कुशल भी थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हुआ है, तो एक दिन वो मुझसे इंग्लिश में बोलने लगा। आप लोगों को बताता हूँ वो वाक्य। एक दिन मुझसे आकर के बोला, मैंने कहा भाई, मैंने कहा हाँ जी, बोले आई हैव टू डॉटर्स। मैंने कहा अच्छा, और फिर बोला कि तालियां तो अगली बात पे उठेंगे। मैंने कहा, कह रहा कि आई हैव टू डॉटर्स एंड बोथ आर गर्ल्स। कुछ नहीं होता, तो ऐसी चीजें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब उस भाई को आमंत्रित करो। खैर, हंसी मजाक की बातें एक तरफ होती हैं, कम उम्र में गाजियाबाद का एक बड़ा पुरस्कार, गाजियाबाद रत्न नाम से जिस पुरस्कार को जाना जाता है, उस 2016 की जो गाजियाबाद रत्न पुरस्कार था उसका होल्डर भाई कुशल कुशवाहा होता है साहित्य के क्षेत्र में काम के लिए। और जो कि एक नन्ही सी अवस्था में किसी एक रस पर भी हम, जैसे मैं वीर रस पर लिखता हूँ मुख्यतः, ऐसे भाई श्रृंगार रस पर लिखते हैं, किसी एक रस पर लिखना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, जो रस चाहे, इस छोटी सी उम्र में कई सारे रसों पर प्रयास करने वाले भाई का नाम कुशल कुशवाहा होता है। और उसकी इस मंच पर उपस्थिति ही अपने आप में ही, जब वो मंच के संचालन का दायित्व पकड़ लेते हैं, इतनी देर से आपको हंसा गुदगुदा रहे हैं, आप लोगों को पता होगा उनका फ्लेवर, की वो किस फ्लेवर के कवि हैं। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ और जोरदार तालियां उनके आमंत्रण में मांगूंगा आपसे, और ये चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अपने जख्मों का भी आईना बनाया हमने। एक बार जोरदार तालियां भाई के आमंत्रण में बजनी चाहिए। अभी रुक जाइए, एडवांस पेमेंट बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और उस पंक्तियों के बाद में आमंत्रित कीजिएगा भाई को जोरदार तालियों के हिसाब से कि अपने 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 जख्मों का भी आईना बनाया हमने आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, और इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद इसलिए भी कि आपने मेरे बारे में सिर्फ उतनी बात बताई जितनी मैंने आपको लिख के दी थी, एक भी अपने पास से नहीं जोड़ी। लेकिन आप, मैं मंच के अब आप वो सब पढ़ दो जो मैंने आपको लिख के दिया। नहीं, सबने देखा है, मैंने खुद ही लिखा।
लेकिन माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, गौरवशाली मंच को नमन करता हूँ, अग्रिम पीढ़ी में बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और आप सबकी ऊर्जा और चेतना को भी नमन करता हूँ। जिस तरीके से आज आपने इस कवि सम्मेलन को सुना तो लगा अब मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि अगर गाजियाबाद में कवि सम्मेलन तमाम बार होते हैं, सैकड़ों कवि सम्मेलन पूरे देश में प्रतिदिन आयोजित होते हैं, लेकिन अगर सबसे अच्छे सुनने वाले, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले लोग हैं तो जिंदाबाद, आपको प्रणाम करता हूँ। अभी बीते दिन NIT में गया, IIT में गया, लेकिन एक बात सच कह रहा हूँ, जिस तरीके से आप लोग सुनते हैं भाई कार्तिकेय भाई, इनके तोमर बड़े भैया पीयूष मालवीय जी ने को आपने जैसे सुना, मुझे उम्मीद है मेरी फाइल भी उतनी हिम्मत से आप समेट देंगे जैसे इनकी समेटी है, लेकिन आप सबको प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियां देना चाहता हूँ इस गौरवशाली मंच को। स्वागत है कि हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, क्या है हिंदी आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हर एक माँ भारती के लाडले की जान है हिंदी। और मैं कह रहा हूं, मैं नींबू फंसा रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी है इन खाली कुर्सियों की, और ये बता रहा हूं कम से कम 3-4 रातों से लगातार कवि सम्मेलनों में हूं, मेरा गला साथ नहीं दे रहा, आप लोग जैसा सुनेंगे वैसा सुनाऊंगा, सुनिएगा। कि हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हर एक माँ भारती के लाडले की जान है हिंदी, कोई समझे इसे बोली कोई भाषा समझता है, मगर सच है कि हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। अब कोई ज्ञान की बात नहीं होगी, अब अपनी औकात पे आता हूं, अब जुड़ जाइए, अब सुनो। देखिए सब लोग मांगते हैं भगवान से कि मैं ये बनूं, मैं ये बनूं, मैं ये बनूं। देखिए अपनी जैसी अब चल रही है वैसी चल रही है, लेकिन मैंने चार पंक्तियां मांगी हैं, मंच का भी ध्यान चाहता हूँ और अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों का भी और पीछे तक फैले हुए लोगों का। दुर्गेश भाई आप भी सुनना जरा, क्योंकि आप ही के फ्लेवर के कवि हैं ये, एक प्यारा छोटा भाई दुर्गेश भी यहाँ पर उपस्थित है, दुर्गेश भजन भी यहाँ पर उपस्थित है, बहुत श्रेष्ठ रचनाकार है, कम उम्र में। सुनिएगा कि गम दूर हो अपने भी अब खुशी नसीब हो, ताली वाली हवा करनी है, ये नहीं कि अच्छी बात पे ही करनी है, बुरी बात पे भी करनी है, जो ना समझ में उस पे भी करनी है। के गम दूर हो अपने भी अब खुशी नसीब हो, महबूबा हो वैसी चाहे जितनी गरीब हो। अच्छा, और चौथी पंक्ति पर दावा करता हूँ आप उछल जाएंगे, मैंने क्या मांग लिया। देखो आप सब लोगों की वकालत करो, सारे लड़के चाहते हैं, सच बता रहे, सुनिएगा, और अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों की भी हो सकता है कामना हो। कि महबूबा हो वैसी चाहे जितनी गरीब हो, सलमान खान जैसी जवानी न हो, मगर अनूप जलोटा सा बुढ़ा, अनूप जलोटा सा बुढ़ापा नसीब हो, लाइफ में कोई और है, डेटिंग में कोई और। अच्छा अगली बात शुरू कर दी है, समय कम है, घंटों हंसा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ कविता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा कठिन कार्य होता है कविता के माध्यम से आपके उल्लास को बाहर लाना, लेकिन कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भाई। कि लाइफ में कोई और है, डेटिंग में कोई और, नंबर में कोई और है, चैटिंग में कोई और। चौथी पंक्ति फिर आपके लिए और आपके उल्लास के लिए, कि नंबर में कोई और है, चैटिंग में कोई और, बिल्कुल नया प्रतीक पढ़ रहा हूँ, नंबर में कोई और है, चैटिंग में कोई और, लड़की है आज कल की ट्रेन टिकट की तरह, कन्फर्म कोई और है, वेटिंग में। क्या प्रतीक है, कहाँ से उठा के लाए हो भैया, कन्फर्म कोई और है, वेटिंग में कोई और चार पंक्तियां रखता हूँ। देखिए साहब, ये कार्तिकेय भाई कह रहे थे ये वो, हमारे पीयूष भाई कह रहे थे कुशल कम पढ़ा लिखा है, देखिए मैं कितना भी कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हमारे भैया की प्रेम का से कम पढ़ा लिखा नहीं, सच बता रहा हूँ, ये अपनी प्रेम का को लेकर अगर डोमिनोज में भी जाते हैं और पूछते हैं क्या खाओगे, तो वो यही कहती है मंगा दो एक प्लेट कढ़ी चाव। प्रेमिका को लेकर के मैं जाता हूँ, बात आपको कैसे पता लग जाती है, के होती है कैसे ऐसी ये मुझको सिखा दिया, रुपये न थे इतने कि जितना बिल बना दिया,
अब लड़के तैयार होकर बैठ कि रुपये न थे इतने कि जितना बिल बना दिया, पहले तो नखरे लाख दिखाती रही मगर खाने पे आई तो मेरा भट्टा बिछा गया। जिस भी भाई ने सीटी मारी मैं उसको प्रणाम करता हूँ। 377 का इससे अच्छा फायदा कोई नहीं। लेकिन और ये भी कह रहा हूँ, मेरे पे आपकी दाल नहीं गलने वाली, आपको कोई और ही तलाश ना पाए। और कुशल भाई, मैं चाहता हूँ कि वो एक बार सब वाली रचना जरूर जरूर हो यहाँ पर, खास तौर से इस मंच पर तो जरूर होनी चाहिए। दो चार मिनट आपके बीच में, ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा, सुनो। कि सारी की सारी खुशियाँ अपनी तो भाड़ में है, क्या दर्द है, दर्द तो तुम्हारा है ये। कि सारी की सारी खुशियाँ अपनी तो भाड़ में हैं, इस प्यार की वजह से आशिक तिहाड़ में। सुन लो, इस प्यार की, और देखिए आजकल का प्रेम प्यार वो नहीं हो रहा कि पाती का लिखो वो, अब आजकल जो हो रहा है वो सुन। कि सारी की सारी खुशियाँ अपनी तो भाड़ में हैं, आधी मैं बोलूंगा चौथी पंक्ति और आधी आप बोलेंगे, सुनिएगा। मैंने अपने गुरु से सीखा है कि कविता और शायरी वो जो आधी मंच से पढ़ी जाए आधी सामने से बात। क्या हुआ? आप सुनिएगा। कि सारी की सारी खुशियाँ अपनी तो भाड़ में हैं, इस प्यार की वजह से आशिक तिहाड़ में हैं, जब से हुआ है ब्रेकअप बैठे नहीं है खाली, अच्छा मैं भी जुगाड़ में हूँ। और एक वो रखना चाहता हूँ, मुझे याद दिला दी, बिल्कुल बिल्कुल, वो सुनेगा। कि हमको तो बोरिंग लगते हैं लेक्चर वेक्चर सर, हमको तो बोरिंग लगते हैं, देखिए उठा लेना अगली पंक्ति, कि हमको तो बोरिंग लगते हैं लेक्चर वेक्चर सर, कॉलेज वॉलेज पेपर वेपर नंबर वंबर सर।